प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां संकलन अमृत राय द्वारा संपादित किया गया, जिसमें 1910 से 1936 ईस्वी तक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई प्रतिनिधि कहानियां शामिल हैं। इन कहानियों को निश्चित क्रम में पढ़ने से प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियां यात्रा की प्रमाणिकता तस्वीर स्पष्ट होती है। शुरू की कहानियां साफ तौर पर द्विवेदिक युगनी आदर्शवाद पर आधारित हैं, जबकि अंतिम कहानियां उस बिंदु को छूती हैं जहां उनका आदर्शवाद से मोह भंग हो गया था तथा वे चरम यथार्थवाद की ओर बढ़ने लगे थे। प्रेमचंद की कहानियों के इस संकलन में कुछ कहानियां सर्वकालिक महत्व की हैं, जबकि कुछ का महत्व उनकी विकास यात्रा को समझने की दृष्टि से ही है। सबसे पहले हम उनकी सभी कहानियों का परिचय प्राप्त करेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण कहानियों का विस्तार में चर्चा की जा रही है और गौण कहानियों का सिर्फ परिचयात्मक विवरण दिया जा रहा है। बड़े घर की बेटी, इस संकलन की पहली महत्वपूर्ण कहानियां बड़े घर की बेटी है, जो 1910 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। कथा सार व संवेदना, इस कहानी में बेनी माधव सिंह नाम का एक जमींदार है, जिनके दो बेटे हैं श्रीकंठ सिंह तथा लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह का विवाह एक बड़े घर की बेटी आनंदी से होता है, जो बहुत कम समय में अपनी नई परिस्थितियों के अनुसार ढल जाती है। एक बार घी के अपव्यय को लेकर लाल बिहारी सिंह आनंदी को डांटता है और बात आगे बढ़ाने पर अपना खड़ाऊं उसकी ओर फेंकता है। आनंदी इस अपमान को नहीं सह पाती। श्रीकंठ सिंह की गहरी आस्था संयुक्त परिवार व्यवस्था में है। उसने कई परिवारों को टूटने से बचाया भी है, किंतु अपनी पत्नी का यह अपमान वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है और परिवार छोड़ने की घोषणा कर देता है। अंततः आनंदी ही परिवार को टूटने से बचाती है और उसकी इस महानता को देखकर बेनी माधव सिंह कह उठते हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। स्पष्ट है कि यह कहानी संयुक्त परिवार तथा हृदय परिवर्तन जैसे पारंपरिक भारतीय मूल्यों पर आधारित है, जिन्होंने आगे चलकर महात्मा गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन में अत्यधिक महत्व दिया। शिल्प, जहां तक शिल्प का प्रश्न है, इस कहानी का कथानक बेहद सीधा सरल और रैखिक है। इसकी गति में वक्रता या तिरछापन नजर नहीं आता। ध्यान से देखें तो इस कहानी में कुछ बिंदुओं पर सघन नाटकीय तनाव की सृष्टि की जा सकती थी, किंतु प्रेमचंद की कहानी कला की शुरुआती स्तर होने के कारण इनका शिल्प उतना साधा हुआ नहीं है जितना उनकी बाद की कहानियों में नजर आता है। चरित्र योजना भी मोटे तौर पर पारंपरिक है, यद्यपि श्रीकंठ, आनंदी और लाल बिहारी तीनों चरित्रों में मानसिक द्वंद्व दिखाया गया है, लेकिन चरित्र अभी भी पारंपरिक मान्यताओं के प्रतिनिधि ही नजर आते हैं। उनमें स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सका है। कहानी की भाषा सरल और सहज है। मनोवैज्ञानिक का प्रयोग प्रेमचंद ने विशेष तौर पर किया है, मुख्यतः नारियों के सामूहिक मनोवैज्ञानिक के संबंध में। उदाहरण के लिए कहानी का एक वाक्य है, आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। कहीं कहीं सूत्र वाक्यों का सुंदर प्रयोग है, जैसे सुंदर संतान को कदाचित माता पिता भी अधिक चाहते हैं। अपनी किस्सा सुगम शैली के कारण प्रेमचंद बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां करते हुए चलते हैं, जैसे मन का मैला धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त कोई वस्तु नहीं है। ऐसे स्थानों पर कहीं कहीं उनकी उपदेशात्मक प्रवृत्ति भी हावी होने लगती है। हास्य व्यंग का सुंदर प्रयोग भी इसी कहानी का की विशेषता है। उदाहरणतः जब श्रीकंठ और उनके पिता में झगड़े की संभावना हुई तो गांव के लोग झगड़ा देखने के लिए आतुर होने लगे। प्रेमचंद ने उनकी मनोवृत्ति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि दोनों पक्षों की माधुर्य वाणियों को सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिल मिलाने लगी। मूल्यांकन स्पष्ट है कि बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की कहानी यात्रा के आरंभिक स्तर की प्रतिनिधि कहानी है। इसमें दिखाने वाला आदर्शवाद, नैतिकतावाद व परिवारवाद आरंभिक प्रेमचंद की मूल विशेषता है। शिल्प के स्तर पर भी सपाट कथानक, सीधी चरित्र योजना, सरल हिंदुस्तानी भाषा व सामूहिक मनोवैज्ञानिक जैसी प्रवृत्तियों का प्रयोग आरंभिक प्रेमचंद की प्रतिनिधि शिल्पगत विशेषताओं को व्यंजित करने वाली विशेषताएं हैं।
बूढ़ी कागी 1921 ईस्वी की कहानी है, जिसमें प्रेमचंद्र ने आदर्शवाद और यथार्थवाद का गहरा संश्लेषण किया है। इसके केंद्र में वृद्धा समस्या है। वे बूढ़ी काकी नामक चरित्र के माध्यम से दिखाते हैं कि जब वृद्ध लोग अपनी संपत्ति नई पीढ़ी को सौंप देते हैं तो उसके बाद उनका हर्ष क्या होता है। इसमें बूढ़ी काकी अपने एकमात्र बच्चे वारिस भतीजे पंडित बुधिराम और उसकी पत्नी रूपा पर आश्रित है। ये दोनों ही बूढ़ी काकी को अक्सर निराद्रित करते हैं। घर में सिर्फ एक सदस्य है जिसे बूढ़ी काकी से प्रेम है, वह है बुधिराम और रूपा की बेटी लाडली। कथासार कहानी के केंद्र में एक घटना को रखा गया है। लाडली के भाई सुखराम का तिलक होने वाला है और घर पर बहुत बड़ी दावत और आयोजन किया गया है। बूढ़ी काकी की सारी इच्छाएं प्रेमचंद के शब्दों में जीवा पर केंद्रित हो गई हैं, जिसके कारण अच्छा भोजन करने की इच्छा उन्हें बार बार उद्वेलित करती है। वह दोनों बार चोरी छिपे उस स्थान पर जाती हैं जहां भोजन बन रहा है, किंतु एक बार बुधिराम द्वारा और एक बार रूपा द्वारा लताड़ खाकर वापस लौटती है। अच्छे भोजन की तीव्र इच्छा के सामने बूढ़ी काकी को आत्मसम्मान का बोध भी नहीं रहता। भोज खत्म हो जाता है जब मेहमान सब खाकर लौट जाते हैं, किंतु रूपा बूढ़ी काकी को भोजन कराना भूल जाती है। लाडली रात को चोरी छिपे बूढ़ी काकी की कोठरी में जाकर उन्हें कुछ भोजन कराती है, किंतु थोड़ा सा खाना खाने के बाद तो काकी की भूख और प्रचंड हो उठती है। अंत में वह लाडली के साथ वहां जाती हैं जहां वह मेहमानों ने अपने जूठे पत्तल छोड़े थे। उन्हीं पत्तलों से बचा कुचा खाना खाकर वह संतोष प्राप्त करती है। तभी रूपा की नींद खुलती है। वह काकी की स्थिति देखकर ग्लानि से भर उठती है। उसे महसूस होता है कि जिस काकी की संपत्ति के कारण उसकी गृहस्थी को हर वर्ष 200 रुपए मिलते हैं, वह उसे भोजन तक नहीं करा पाई। हृदय परिवर्तन के इसी बिंदु पर कहानी खत्म होती है और रूपा प्रेम पूर्वक काकी को भोजन कराती है। संवेदना। इस कहानी की संवेदना का सबसे महत्वपूर्ण विषय वृद्धावस्था में निहित सामाजिक असुरक्षा तथा आवश्यकता है। इस दृष्टि से यह भी शमशानी की कहानी चीफ की दावत के काफी नजदीक है, जिसमें एक बेटा और बहू अपने बॉस को निमंत्रण देते हैं तथा अपनी माँ को अप्रस्तुति योग्य मानकर कोठरी में बंद कर देते हैं। वह भी इसी ही हिदायत के साथ कि वह सोए नहीं, क्योंकि उसके खर्राटे की आवाज महफिल का मजा किरकिरा कर सकती है। इसमें वृद्धों को मानवीय सहजता के साथ देखने की वकालत भी की गई है। वृद्ध लोग इच्छाओं से रहित नहीं होते, बल्कि उनमें इच्छाएं प्रबल होती हैं, यह बताकर प्रेमचंद संकेत करते हैं कि वृद्धों को चुका हुआ व्यक्ति न मानकर उनकी इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार लाडली के माध्यम से वे यह भी दिखाते हैं कि बच्चों की सहजता सामाजिक संबंधों के निर्वाह के लिए कितनी जरूरत होती है। कुछ दलित चिंतकों ने बूढ़ी काकी के एक प्रसंग पर सवाल खड़ा किया है। उनके अनुसार किसी भी वृद्ध को जूठे पत्तल चाटने पड़े, यह अपने आप में समाज के लिए शर्म की बात है, किंतु प्रेमचंद ने इस समस्या को बड़ बेद से जोड़ दिया है। वे इस कहानी में लिखते हैं कि एक ब्राह्मणी दूसरे की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था, किंतु प्रेमचंद पर किए जाने वाला यह आरोप पूरी तरह ठीक नहीं है। वस्तुतः इस वाक्य में रूपा की मानसिक प्रतिक्रिया दिखाई गई है और यह दावा करना संभव नहीं कि रूपा के माध्यम से प्रेमचंद अपनी सोच बता रहे हैं। वैसे भी सदगति जैसी कहानियों और गोदान जैसे उपन्यास माता दीन सिलिया प्रसंग में प्रेमचंद ने दलित वर्ग के प्रति अपनी पक्षधरता खुलकर व्यक्त की है। शिल्प के स्तर पर यह कहानी प्रेमचंद की सामान्य कहानियों की तरह है। इसकी भाषा हिंदुस्तानी है और इसमें मुहावरों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। सूत्र वाक्यों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक टिप्पणियां इस कहानी में भी हुई हैं, जैसे बुढ़ापा बहुधा बचपन का पूरा पुनरागमन होता है या बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही बिंदु पर आ लगती हैं। इस
कहानी में उपमाओं और प्रतीकों का प्रयोग काफी सुंदर तरीके से हुआ है। जैसे बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। कथानक अत्यंत सरल और सीधा है। चरित्र आमतौर पर एक आयामी है, हालांकि रूपा के भीतर आंतरिक नैतिक द्वंद गहराई से उभरा गया है। कुल मिलाकर यह कहानी प्रेमचंद की उस समय की कहानियों का प्रमाणित प्रतिनिधित्व करती है जब वे आदर्शवादी दुनिया के भीतर रहते हुए यथार्थवाद की ओर शुरुआती कदम उठा रहे थे। अलगय ओझा 1929 ईस्वी में रचित कहानी है, जिसका प्रकाशन सर्वप्रथम माधुरी पत्रिका में हुआ। इस कहानी में संयुक्त परिवार व्यवस्था को केंद्र में रखते हुए प्रेमचंद ने कई अन्य समस्याओं को साथ साथ उभारा है, जैसे गरीबी, ऋणग्रस्तता तथा विधवाओं की सामाजिक असुरक्षा आदि। संवेदना और शिल्प दोनों ही स्तरों पर इस कहानियों में कुछ ऐसे तत्व हैं कि इसे प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शुमार किया जा सकता है। कथासार अलगय ओझा की कहानी भोला महतो के परिवार की है। भोला को अपनी पहली पत्नी से एक पुत्र हुआ, रघु। कुछ दिनों के बाद भोला ने पन्ना नामक की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। पन्ना अत्यंत सुंदर स्त्री थी, इसलिए भोला उसके इशारों पर नाचने लगा और रघु की स्थिति निरंतर दयनीय होती गई। पन्ना को 4 संतानें हुई, केदार, खुन्नू, लक्ष्मण तथा चुनिया। कुछ दिनों के बाद भोला महतो की मृत्यु हो गई और पन्ना की स्थिति अचानक डावाडोल होने लगी। उसके 4 बच्चे छोटे थे, इसीलिए आर्थिक असुरक्षा विकराल रूप में उसके सामने आ खड़ी हुई। रघु घर का अकेला काम आने वाला था। वह चाहता तो अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सकता था, किंतु उसने संयुक्त परिवार के मूल्यों में आस्था रखते हुए पन्ना की को माँ का दर्जा दिया और उसके 4 बच्चों की जिम्मेदारी उठाई। पन्ना के दबाव में वह अपनी पत्नी मूलिया को घर ले आया। हालांकि उसे चिंता थी कि कहीं उसकी पत्नी के आने से घर टूट न जाए। कुछ समय बाद मूलिया का पन्ना से टकराता है और वह रघु को अलग होने के लिए मजबूर कर देती है। रघु अत्यंत गरीब है, उसके सिर पर ऋण का बोझ भी है, जिसके कारण 30 वर्ष के आसपास की उम्र में ही वह बूढ़ा दिखने लगता है। उसकी इच्छा थी कि जब वे बूढ़ा हो जाए तो घर के बच्चे उसे सुरक्षा प्रदान करें, किंतु मूलिया के हट ने यह सुरक्षा उसे छीन ली। इन्हीं तनावपूर्ण स्थितियों में रघु की मृत्यु हो जाती है और मूलिया अचानक सारी सुरक्षाओं से वंचित हो जाती है। किंतु इसी कठिन समय में पन्ना मूलिया और उसके बच्चों को सहारा देती है। पन्ना के बड़े बेटे केदार ने धीरे धीरे वही स्थिति अर्जित कर ली जो रघु की थी। केदार खुद विवाह करने से लगातार बचता रहा, किंतु खुन्नू और लक्ष्मण का विवाह उसने करा दिया। अंततः पन्ना को महसूस हुआ कि केदार की इच्छा मूलिया से विवाह की है और उसने अपनी ओर से पहल करते हुए दोनों को विवाह के लिए राजी करा लिया। इसी सुखात्मक मोड़ पर कहानी का अंत होता है। सार तत्व है यह है कि संयुक्त परिवार में जो सामाजिक सुरक्षा है वह एकल परिवार में नहीं है। संवेदना के स्तर पर इस कहानी की मूल विशेषता यह है कि इसमें कई सामाजिक समस्याओं को परस्पर संबंधित करते हुए प्रेमचंद ने एक साथ उठाया है। इसमें गरीबी की समस्या तो है ही, ऋणग्रस्तता, वैधव्य तथा संयुक्त परिवार के टूटने जैसी समस्या भी मौजूद हैं। यदि प्रेमचंद की अन्य कहानियों से तुलना करें तो हम पाते हैं कि वे आमतौर पर हर कहानी में एक समस्या उठाते हैं, जैसे बूढ़ी काकी में वृद्धा समय समस्या, बड़े घर की बेटी में संयुक्त परिवार के बिखराव की समस्या, सदगति में दलित समस्या, तो ईदगाह में बचपन छीन जाने की समस्या। इस दृष्टि से अलगय ओझा संश्लेषित संवेदना की कहानी है। शिल्प इस कहानी की शिल्पगत विशेषताओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसकी कथानक योजना है। जिन कहानियों में एक ही कथा चलती है उनका कथानक अनिवार्यतः सरल होता है, क्योंकि अलगय ओझा में 3 कथाएं, भोला पन्ना की कथा, रघु मूलिया की कथा, केदार मूलिया की कथा विद्यमान है, इसलिए इसका कथानक जटिल है। जटिल कथानकों में बिखराव
जटिल कथानकों में बिखराव का खतरा हमेशा बना रहता है, किंतु प्रेमचंद ने तीनों कथाओं को इतना गहराई से जोड़ा है कि कहीं भी गांठ नजर नहीं आती। अलगे ओझा का की चरित्र योजना भी अत्यंत प्रभावशाली है, क्योंकि कहानी ग्रामीण परिवेश के गरीब परिवार की है, इसीलिए इसके चरित्र सामान्यतः वर्गत हैं, उनमें वैयक्तिकता का तत्व प्रबल नहीं हो सका है। उदाहरण के लिए पन्ना और मूलिया दोनों यौन में अपना घर अलग करती हैं और बाद में दोनों पछताती हैं। भोला की मौत पर रघु जिम्मेदारियां उठाता है, तो रघु की मौत के बाद केदार स्पष्ट है कि यहाँ चरित्रों का व्यक्तित्व केंद्र में नहीं है, बल्कि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां ही उन्हें एक निश्चित ढांचे में ढालती हैं। अपनी अन्य कहानियों की तरह अलगे ओझा में भी प्रेमचंद ने पात्रों के मनोवैज्ञानिक का सुंदर वर्णन किया है। विशेषतः नारी मनोविज्ञान के कुछ सुंदर चरित्र इसमें दिखते हैं। उदाहरण के लिए पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्भ में चोली दामन का नाता है। वैधव्य के शोक में मुरझाया हुआ मूलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। भाषा शैली की दृष्टि से भी अलगे ओझा कहानी कई संभावनाओं से भरी है। प्रेमचंद की कुछ कहानियों में तत्समी शैली ज्यादा प्रबल हो गई है, जैसे रानी सारंधा में, तो किसी किसी कहानी में फारसी शब्दावली का अनुपात बढ़ गया है, जैसे शतरंज के खिलाड़ी और ईदगाह में। किंतु अलगे ओझा प्रेमचंद की उन कहानियों में आती है जिनमें शब्दावली का संतुलन लोक जीवन के अनुसार हुआ है। यही वह भाषा है, शैली है, जिसे गांधी और प्रेमचंद हिंदुस्तानी कहते हैं। ईदगाह 1933 में रचित प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है, जिसका प्रकाशन पहली बार चंद पत्रिका में हुआ था। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर रचित हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। कथासार ईदगाह में दो ही मुख्य चरित्र हैं, अमीना और हमीद। अमीना हमीद की दादी हैं और वही उसका पालन पोषण करती हैं। हमीद के पिता और माता दोनों की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी सारी जरूरतों को पूरा करने का दायित्व अमीना के सिर पर है। कहानी का प्रसंग ईद का है। रमजान के रोजों के लंबे इंतजार के बाद आज ईद का दिन आया है और मोहल्ले के सभी बच्चे ईदगाह जाने की तैयारी में हैं। सभी बच्चों के पास खर्च करने के लिए पैसे हैं, किंतु अमीना परेशान है कि हमीद को पैसे कैसे दें। अंततः वह उसे 3 पैसे देकर भेजती है। ईदगाह जाकर सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ और रेवड़ी भी खरीदते हैं, किंतु हमीद के पास बहुत कम पैसे हैं। वह काफ़ी सोच समझकर अंततः एक चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसे बार बार याद आता है कि खाना बनाते समय उसकी दादी का हाथ जलता है। उसका चिमटा देखकर अमीना सिर पीट लेती है और हमीद अपराधी भाव से कहता है, तुम्हारी उंगलियाँ तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। इसके बाद प्रेमचंद अपनी एक विशेष टिप्पणी के साथ कहानी समाप्त करते हैं। बच्चे हमीद ने बूढ़ी हमीद का पार्ट खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। संवेदना ईदगाह का संवेदना कई वजह से हिंदी साहित्य में चर्चा का विषय रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्मांकन है, जिसके कई पक्ष कहानी में उभरते हैं। इसका सबसे प्रभावशाली चित्रण कहानी के अंत में हुआ है, जहां प्रेमचंद दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव कैसे बच्चे से बचपन छीन लेते हैं और उन्हें बड़ों के तरह जमींदार भाव भरा व्यवहार करने को मजबूर कर देते हैं। हमीद का चिमटा खरीदना हमीद का बड़प्पन है, किंतु सामाजिक व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है। जो समाज बच्चों के बचपन की रक्षा न कर सके, उसमें हर संवेदनशील बच्चा हमीद की तरह उम्र से बड़ा होने को बाध्य हो जाता है। स्पष्ट है कि ईदगाह में प्रेमचंद की मूल चिंता आर्थिक धरातल पर सामाजिक असमानता को लेकर है। शोषण पर आधारित व्यवस्था में हाशिए पर चले गए लोगों के जीवन के कष्टों एवं विडम्बनाओं के चित्रण के द्वारा वे समाज में गैर बराबरी उत्पन्न करने वाली आर्थिक व्यवस्था पर टिप्पणी करते हैं। अपने इस रेखांकन को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रेमचंद आरंभ में ईदगाह में नमाज पढ़े जाने का चित्र उपस्थित करते हैं, जहां सब बराबर हैं, लेकिन वास्तविक व्यवहार की दुनिया हमीद और उसके दोस्तों की दुनिया में ऐसा नहीं है। ऐसा करके वे एक कंट्रास्ट प्रस्तुत करते हैं, जहां वास्तविकता और साफ दिखाई पड़ती है। ईदगाह में नमाज के दृश्य और शेष कहानियां
से यह भी ध्वनित होता है कि हमारे समाज में सिद्धांत एवं व्यवहार की दुनिया के बीच गहरी खाई है। इस कहानी की संवेदना बाल मनोविज्ञान के रास्ते सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था तक भी पहुंचती है। खिलौनों को लेकर बच्चों के बीच होने वाली बातचीत एवं बहस के माध्यम से प्रेमचंद व्यंगात्मक अंदाज से भ्रष्टाचार, जातिवाद, न्याय व्यवस्था के लोक विरोधी रूप आदि पर चोट करते चलते हैं। उदाहरण के लिए यह कांस्टीबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो, अजी हजरत यह चोरी कराते हैं, यही चोरी कराते हैं। इसी कहानी में धर्मनिरपेक्षता की भावना भी आदांत व्यंजित हुई है। प्रेमचंद जितनी आत्मीयता, गहराई एवं विश्वास के साथ एक मुस्लिम घर में प्रवेश करते हैं, वह एक रचनाकार की सांप्रदायिकता विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। दोनों पक्षों के अतिरिक्त इस कहानी की संवेदना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भारतीय समाज में आत्मीय सामाजिक संबंधों की उपस्थिति है। भारतीय समाज में गाँव के अलग अलग परिवारों के बीच जो घनिष्ठ संबंध होता है, उसे यह कहानी संकेतित करती है। अपनी छोटी आवश्यकताओं के लिए लोग निसंकोच दूसरे परिवारों में जाते हैं। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। यह पारिवारिक संबंधों के विस्तार को व्यंजित करता है। शिल्प, इस कहानी का शिल्प सीधा सहज किंतु रोचक है। कहानी की शुरुआत ईद के लंबे वर्णन से हुई है, जो गैर मुस्लिम पाठक को भी ईद का मर्म समझाने के लिए पर्याप्त है। कथानक यूं तो सरल है, किंतु इसका विकास बच्चों के आपसी और संवादों व हंसी मजाक से किया गया है, जिसने कहानी को रोचकता को बढ़ाया है। चिमटे और अन्य खिलौनों की तुलना का प्रसंग तो बेहद रोचक बन पड़ा है, जिसे प्रेमचंद ने अदालत के मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया है। चरित्र योजना सरल है, किंतु हमीद और अमीना के चरित्रों की गहराई और द्वंद्वात्मक पाठक की संवेदना को झकझोरने के लिए पर्याप्त है। समग्र रूप से कहें तो ईदगाह प्रेमचंद की सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक है। इसका कारण बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म प्रयोग एवं सामाजिक सांस्कृतिक तो है ही, यह भी है कि इसे पढ़कर समाज की एक गंभीर समस्या के प्रति पाठक अपनी जिम्मेदारी महसूस करने को बाध्य हो जाता है। सदगति, सदगति प्रेमचंद द्वारा 1931 में रचित प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने दलित समस्या का मर्म स्पर्शी अंकन किया है। दलित समस्या के विभिन्न पक्ष जैसे अस्पृश्यता, आर्थिक शोषण और बेगारी इत्यादि की सघन प्रस्तुति इसमें हुई है। यह कहानी दलित विमर्श के उन चिंतकों को चुनौती देती है जो प्रेमचंद को दलित विरोधी सिद्ध करना चाहते हैं। कथासार, सदगति का मुख्य चरित्र दुखिया चमार है। कहानी की शुरुआत उसकी पत्नी छुरिया के साथ उसके संवाद से होती है। दोनों की बेटी की सगाई होने वाली है और वे चाहते हैं कि पंडित घीसाराम के इस अनुष्ठान के धार्मिक कृत्यों के लिए उनकी सहायता करें। दुखी पंडित जी के पास निमंत्रण देने के लिए जाता है, किंतु पंडित जी उससे अपने घर का सारा काम बेकार के रूप में कराते हैं। वह दिन भर भूखा रहकर लकड़ी चीरता है, बुरी तरह हाँफने लगता है और अंत में अपनी चिलम के लिए पंडित जी के घर से आग मांगता है। पंडिताई काफी क्रोधित होने के बाद उसे दूर से फेंक कर आग देती हैं, किंतु आग की बड़ी सी चिंगारी उसके सिर पर पड़ती है। थोड़ी और मेहनत करने के बाद दुखी कमजोरी के मारे चक्कर खाकर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद भी पंडित परिवार में संवेदना नहीं जागती। इधर चमार परिवारों में इस घटना को लेकर क्षोभ व विद्रोह का भाव है और पंडित जी के अनुनयन विनयन के बावजूद वे लाश नहीं उठाते। अंततः पंडित जी खुद रस्सी के फंदे में लाश को बांधकर गांव के बाहर छोड़ आते हैं और दुखी की लाश को गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोचते हैं। कहानी इस व्यंग पर खत्म होती है कि यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। संवेदना
संवेदना की दृष्टि से यह कहानी पाठक को वर्ण व्यवस्था में निहित शोषण व दमन पर सोचने को मजबूर कर देती है। दलित वर्ग जिस वर्ण व्यवस्था का शिकार है अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उसी के सर्वोच्च स्तर पर आसीन पंडित वर्ग पर निर्भर है। प्रेमचंद इसी मिथ्या चेतना को ध्यानतव्य करना चाहते हैं। वे दिखाते हैं कि सदियों के शोषण ने दलितों को दुख यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि वे अपवित्र होते हैं। दुखी सोचता है पंडित के घर में चमार कैसे चला आए, बड़े पवित्रतर होते हैं या लोग, तभी तो संसार पूजता है, तभी तो इतना मान है। इतना ही नहीं, जब उसके सिर पर आग की चिंगारी पड़ती है तब भी उसे इसमें अपनी ही गलती नजर आती है। शास्त्रों ने सदियों से यह समझाया है कि व्यक्ति के जीवन में घटने घटने वाली हर घटना उसके ही कर्मों का परिणाम होती है। वह कर्म सिद्धांत में निहित शोषणवादी वैचारिकता को नहीं समझ पाता और खुद को ही दोष देता है। उसकी मन स्थिति प्रेमचंद इस प्रकार दिखाते हैं। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। उसके मन ने कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मारे तो ले, घर का सत्यानाश हो जाए, पाव गल गल कर गिरने लगे। सदगति की संवेदना की एक खासियत यह है कि इसमें दलित चेतना के उभार को भी दिखाया गया है। 1930 ईस्वी के आसपास डॉक्टर अंबेडकर आदि नेताओं के नेतृत्व में दलित आंदोलन तेजी से उभरने लगा था और जातीय समानता का मुद्दा स्वाधीनता आंदोलन के सामने बड़े स्तर के रूप में खड़ा था। प्रेमचंद दिखाते हैं कि कैसे दुखियों की मौत पर चमार वर्ग में विरोध का भाव उभरता है, मौत का भाव उभरता है। इस इधर गोंड ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली, पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे। शिल्प सदगति का शिल्प सीधा सपाट और सरल है। इसमें शिल्प के स्तर पर कोई चमत्कार नहीं दिखता है। इसकी भाषा जन जीवन की सामान्य भाषा है, जिसमें सभी वर्गों के लोग अपनी वर्गीय स्थिति के अनुरूप बोलते हैं। सुंदर बात यह है कि कहीं कहीं मुहावरों के प्रयोग ने भाषा को प्रभावशाली बना दिया है। उदाहरण के लिए दुखी की थकान को व्यक्त करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं, पांव कांप रहे थे, कमर सीधी न होती थी, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। कहानी का कथानक सीधा सपाट और कसा हुआ है, क्योंकि पूरी कहानी एक ही मूल प्रसंग पर टिकी है। चरित्र योजना कथा वस्तु के अनुकूल है। शोषण की संरचना को दिखाने के लिए प्रेमचंद ने वर्गगत चरित्रों को ही इसमें रखा है, उनके विशिष्ट व्यक्तियों को नहीं उभारा है। संवाद योजना और व्यंग शैली की दृष्टि से जरूरत कुछ प्रसंग रोचक बन पड़े हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित संवाद डिस्टर्ब है, पंडिताइन के झुझला कर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली है। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। वस्तु सदगति प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शुमार की जाती है। वह यह उस दौर की कहानियां हैं जब प्रेमचंद गांधीवादी आदर्शवाद से मोह भंग महसूस कर रहे थे और वंचित वर्गों के क्रूर तथा नग्न यथार्थ को भी साहित्य की वस्तु बना रहे थे। इसी दृष्टि से सदगति प्रेमचंद की दलित चेतना का प्रामाणिक प्रतिनिधित्व करती है। पूछ की रात प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानियों में अग्रणी है। 1930 में रचित यह कहानी प्रेमचंद द्वारा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के रास्ते को छोड़कर यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपना लेने की घोषणा करता है। यह उस यात्रा की शुरुआत है जो 1936 में कफन कहानी में चरम यथार्थ पर जाकर पूर्ण होता है। किसान वर्ग प्रेमचंद की चिंताओं में शीर्ष पर है। यह कहानी उनकी इसी चिंता का प्रतिनिधित्व करती है। संवेदना पूछ की रात की मूल समस्या गरीबी की है, बाकी समस्याएं गरीबी के दुष्चक्र से जुड़ कर ही आई हैं। जो किसान पूरे सामाजिक जीवन का आधार है, उसके पास इतनी ताकत
भी नहीं है कि कड़कड़ी कड़कती सर्दी से बचने के लिए कंबल खरीद सके। दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग है जिसके पास संसाधनों की इतनी अधिकता है कि उन्हें खर्च भी न कर सके। अर्थव्यवस्था की इस फूहड़ता पर यह कहानी व्यंग करती है कि प्रेमचंद सर्दी के प्रतीक से इन दोनों वर्गों की तुलना दिखाते हैं। अलगू ने हाथ निकाल कर जबरे की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह खेती का मजा है और एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे ली हाफ कंबल कमल मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटे। प्रेमचंद गरीबी के मूल कारणों तक पहुंचते हैं। मार्क्स की भाषा में कहें तो हल्कू की गरीबी प्राकृतिक गरीबी नहीं है जो उत्पादन की कमी से पैदा होती है, यह तो शोषण और संसाधनों के असमान वितरण से पैदा होने वाली गरीबी है। गोदान के होरी की तरह हल्कू की भी नियति है कि वह हर साल उधार ले और अपनी सारी कमाई सिर्फ सूद चुकाने में खर्च कर दे। उसने कंबल के लिए 3 रुपए बचा कर रखे थे तो किंतु वह धन सूद चुकाने में ही खर्च हो गया। इस शोषण परक व्यवस्था के प्रति हल्कू की पत्नी मुन्नी की नाराजगी इन शब्दों में व्यक्त होती है। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ। पूस की रात में किसान का जीवन संघर्ष एक अर्थ में गोदान से भी ज्यादा कठिन है। होरी के सामने भी गरीबी ऋणग्रस्तता और सर्द रात में फसल की रक्षा करने जैसी समस्या है, किंतु खेती को लेकर उसके मन में जो सम्मान का भाव है वह उसे दूसरे मजदूर बनने से मना करता है। वह कहता है कि जो 10 रुपए महीने का नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पानता है, पर खेती को छोड़ तो नहीं जाता। खेती में जो मर्जाद है वह मजबूरी में तो नहीं, किंतु पूस की रात का हल्कू जिन स्थितियों से गुजर रहा है वह इतनी कठिन है कि मर्जाद का विचार निरर्थक हो गया है। कहानी का अंत इसी नाटकीय मोड़ पर हुआ है जहां हल्कू की सानी छूटने से खुश नजर आता है। दोनों खेतों की दशा देख रहे हैं मुन्नी और मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। पूस की रात की संवेदना का एक महत्वपूर्ण पक्ष मानव और प्रकृति के संबंध को लेकर है। जहाँ शहर का व्यक्ति प्रकृति को सैलानी भाव से या उपयोगिता के चश्मे से देखता है, वहीं गांव के व्यक्ति के लिए प्रकृति जीवन का सहज हिस्सा होती है। यह कहानी उस दौर की है जब कविता के क्षेत्र में छायावाद चल रहा था और छायावाद की प्राकृतिक बेहद कोमल पवित्र सुकुमार और अभिजात थी। प्रेमचंद उसी दौर में प्राकृतिक के ग्रामीण और बदेश रूप में साहित्य में खड़ा करते हैं, जिसे आगे चलकर प्रगतिवादियों ने महत्व दिया। हल्कू और जबरे की अनोखी मैत्री इसका उदाहरण है। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपमटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जैसे इधर महीनों में उसे न मिला था। इसी अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। शिल्प पूस की रात संवेदना प्रधान कहानी है। शिल्पगत चमत्कारों में उसका रुझान नहीं है, इसमें वह कथा रस ढूंढना निरर्थक है जिसकी मांग कहानी के श्रोता सामान्यतः करते हैं। बिहड़ यथार्थ को पाठक की चेतना में उतार देने की कोशिश इसे रसात्मक होने से रोकती है। घटनाओं की विरलता है क्योंकि प्रेमचंद एक विशिष्ट स्थिति को की सघनता को कथानक का आधार बनाते हैं। वह स्थिति है पूस की रात में बिना कंबल की एक किसान का वातावरण से संघर्ष करना। कहानी का नाम पूस की रात
भी स्थिति प्रधानता का ही संकेत है। भाषा ग्रामीण तेवर से युक्त ठेठ हिंदुस्तानी है। बिंब और प्रतीक सहज रूप में आते रहते हैं, किंतु उन्हें लेकर लेखक में विशेष सजगता नजर नहीं आता आती। यह जरूर कहा जा सकता है कि कहानी का शिल्प उसकी संवेदना को पूरी धार के साथ पाठक की चेतना तक पहुंचाने में समर्थ है। कफन प्रेमचंद की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में शामिल है। इसकी रचना 1936 ईस्वी में हुई। यह वही वर्ष है जिसमें प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। अपना चरम यथार्थवादी उपन्यास गोदान रचा और इसी वर्ष उनकी मृत्यु भी हुई। इस दृष्टि से यह कहना गलत नहीं होगा कि कफन प्रेमचंद की कहानियों के सर्वाधिक परिपक्व चरण की रचना है। इस कहानी की विशेषता यह है कि इसमें गांधीवादी आदर्शवाद और उपदेशवाद का मुलमा पूरी तरह से छूट गया है और यथार्थ अपनी पूरी सघनता और नंगेपन के साथ उपस्थित है। कथासार व कथा वस्तु कफन में वैसा कथानक नहीं है जैसे घटनाओं की श्रृंखला से निर्मित होता है। इसमें घटनाओं के नाम पर सिर्फ एक दो सूचनाएं हैं, बाकी सारा तो स्थितियों का विश्लेषण मात्र है। दो दलित व्यक्ति हैं, घीसू और माधव, जिनमें बाप बेटे का संबंध है। माधव की पत्नी बुधिया प्रवश पीड़ा से त्रस्त है और छटपटा रही है। घीसू और माधव इतने कामचोर और संवेदनशीलहीन हैं कि बुधिया की छटपटाहट उन्हें ज्यादा विचलित नहीं करती। एक तरह से वे उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। बुधिया की मौत पर वे छदम शोक प्रदर्शन करते हैं और उसके कफन के नाम पर सबसे पैसा मांगते हैं, किंतु उस पैसे से कफन खरीदने के बजाय वे जमकर शराब पीते हैं, भरपेट खाना खाते हैं और अंततः नशे में चूर होकर गिर जाते हैं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वह किसी निश्चित अंत की घोषणा नहीं करती, बल्कि पाठक के सामने एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है। संवेदना कफन की संवेदना का सबसे मुख्य बिंदु उसमें व्यक्त होने वाला चरम यथार्थवाद है। प्रेमचंद की कथा यात्रा गांधीवादी आदर्शवाद से शुरू हुई थी और उनकी आरंभिक कहानियां हृदय परिवर्तन जैसी युक्तियों के माध्यम से आदर्शों को साध कर समाप्त होती थी। उन्हें आदर्शवाद का रंग छुड़ाने में लंबा समय लगा। उनकी 1930 के आसपास की कहानियों में भी हल्का फुल्का आदर्श नजर आ ही जाता है। इस दृष्टि से कपन का कोई मुकाबला नहीं है। इसका यथार्थवाद गोदान से भी ज्यादा तीखा है। इसमें सिर्फ प्रश्न खड़े किए गए हैं, उत्तर या उपदेश देने की कोशिश दूर दूर तक नजर नहीं आती है। यद्यपि सदगति दूध का दाम और पूछ की रात में भी प्रेमचंद का यथार्थवाद खुलकर जाहिर हुआ है, किंतु वहां उसकी चुभन इतनी तीखी नहीं है। कफन की संवेदना का दूसरा पक्ष प्रेमचंद के विश्लेषण पक्ष में निहित है। यह कहानी घटनाओं की मदद से आगे नहीं बढ़ती, परत दर परत विश्लेषण करते हुए खुलती है। प्रेमचंद घीसू और माधव की काम चोरी को उनकी व्यक्तिगत काम चोरी घोषित नहीं करते, बल्कि उसके पीछे जिम्मेदार स्थितियों को उभारते हैं। वे लिखते हैं, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा प्रसन्न संपन्न थे। वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। सामाजिक समस्याओं का यह विश्लेषण कहानी के कुछ अन्य प्रसंगों में और ज्यादा घनीभूत होकर उभरा है, जहाँ प्रेमचंद सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में निहित विसंगतियों पर कड़ी चोट करते हैं। ऐसे दो प्रसंग दृष्टव्य हैं। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जीतन ढकने की चिथड़ा भी न मिले, मरने पर नया कफन चाहिए। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग
जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। स्पष्ट है कि कपन संवेदना के स्तर पर प्रेमचंद की पूर्ववर्ती कहानियों से अलग तथा बिहड़ रास्ता चुनती है। एक अर्थ में यह उस मोहभंग की शुरुआत है जो आज़ादी के बाद के साहित्य में सघन रूप में नजर आता है। गौरतलब है कि कुछ दलित विचारकों की राय में यह कहानी दलित विरोधी चेतना से भरी है। यीशु और माधव को जाति का चमार बताया गया है, इस वजह से प्रतीक होता है कि दलित वर्ग अपने पारिवारिक दायित्वों के प्रति गैर जिम्मेदार होता है। आरोप यह है कि प्रेमचंद यीशु और माधव की जाति का जिक्र किए बिना भी यह कहानी लिख सकते थे, क्योंकि घोर गरीबी किसी व्यक्ति की संवेदनहीन बनाने के लिए अपने आप में पर्याप्त है, किंतु प्रेमचंद पर यह आक्षेप उचित नहीं है। दलितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सदगति और दूध का दाम जैसी कहानियों और गोदान जैसे उपन्यासों के सीलिया आदि चरित्रों से स्पष्ट हो जाती है। घीसु और माधव को वह चमार जाति का सिर्फ इसलिए बताते हैं ताकि समझा सके कि दलित जातियों का जीवन कितना अभावग्रस्त है। यदि कहानी को ध्यान से पढ़ें तो साफ नजर आता है कि उनकी राय में घीसु और माधव की कमजोरी और संवेदनहीनता के पीछे उनकी व्यक्तिगत कमजोरियां नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। शिल्प कफन में प्रेमचंद ने शिल्प के स्तर पर भी कुछ नए प्रयोग किए हैं। उदाहरण के लिए कफन में वह कथारस नहीं है जिसे कुछ लोग कहानी का प्राण तत्व मानते हैं। इसमें आदि मध्य और अंत में विभाजन योग्य कथानक भी नहीं है। यही कारण है कि शिल्प के पारंपरिक ढांचों पर कसने पर कुछ लोगों को यह कहानी कमजोर लगती है। वस्तुतः इसके शिल्प की विशेषता इसकी वातावरण योजना में निहित है। कफन एक वातावरण प्रधान कहानी है जो पाठक को इस तरह बांधती है कि वह घीसु और माधव के परिवेश का हिस्सा बन जाता है। इसके पात्र वास्तविक जीवन के पात्र हैं जिनमें लेखक ने सारा जरा सी भी मिलावट नहीं की है। कहानी में घटनाएं कम है किंतु घटनाओं की इसी विरलता के कारण ही यह स्थिति प्रधान है और विश्लेषणात्मक प्रधान हो सकी है। जो स्थिति प्रधान और विश्लेषण सघनता नई कहानियों की विभेदक विशेषता मानी जाती है उसकी पूर्व पीठिका कफन में देखी जा सकती है। प्रेमचंद ने चरित्रों से ज्यादा महत्व स्थितियों को दिया है क्योंकि वे समझ चुके हैं कि व्यक्ति का चरित्र उसकी स्थितियों का बाई प्रोडक्ट होता है। उन्होंने कहानी के एक वाक्य में हल्का सा संकेत दिया है कि यदि घीसु और माधव अभावग्रस्त न होते तो वे भी शायद संवेदनशील और समाजनिष्ठ व्यक्ति होते। वे लिखते हैं, भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकी और भूखी आंखों से देख रहा था और दोनों के गौरव आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। कफन की भाषा सिद्ध करती है कि सरल और सादगीपूर्ण हिंदुस्तानी भाषा जटिल से जटिल समस्याओं की सूक्ष्मतम तहों को खोलने में समर्थ है। इसी भाषा की खूबसूरती यह भी है कि बीच बीच में मुहावरों और उपमाओं का प्रयोग इसे और प्रभावशाली बना देता है, जिसे घीसु पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था या फिर घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। मूल्यांकन संपूर्ण चर्चा के आधार पर यह कहने में कोई समस्या नहीं है कि कफन प्रेमचंद की सबसे अधिक प्रयोग धर्मी कहानी है। यह सच है कि प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी ज्यादा सूक्ष्म और परिपक्व होती गई है, किंतु यदि प्रेमचंद की कोई कहानी आज भी समकालीन कहानियों को चुनौती देती है तो वह कफन ही है। अन्य कहानियां शतरंज के खिलाड़ी, यह एक कहानी लखनऊ के दो नवाबों सज्जाद अली तथा मीर रोशन अली के बारे में है। दोनों को शतरंज खेलने की लत है। जब इनके घर में लोग नाराज होकर इन्हें घर से निकाल देते हैं तो ये शहर के एक कोने में खंडहर में जा कर शतरंज खेलने लगते हैं। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना लखनऊ में प्रवेश करती है और वाजिद अली शाह को पकड़ कर ले जाती है।
दोनों इस दृश्य को देखते रहते हैं किंतु कुछ नहीं करते। थोड़ी देर के बाद दोनों में खेल को लेकर झगड़ा होता है और इतना बढ़ता है कि दोनों एक दूसरे की जान ले लेते हैं। दरअसल यह कहानी लखनऊ के नवाबों पर एक करारा व्यंग है। भाव यह है कि अगर समय रहते सभी लोग अपनी स्वाधीनता का सम्मान करते तो प्रतंत्रता न देखनी पड़ती, किंतु नवाबों की निष्क्रियता ने ऐसा नहीं होने दिया। प्रेमचंद का कथा कथन है, अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकाला उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। दूध का दाम यह दलित समस्या पर लिखी गई एक विशिष्ट कहानी है जिसमें दलितों के शोषण की प्रक्रिया को अत्यंत गहरे स्तर पर देखा गया है। बापू महेश नाथ के घर एक बेटा सुरेश हुआ है, किंतु उसकी माँ का स्वास्थ्य कुछ ऐसा है कि वह अपने पुत्र को दूध नहीं पिला सकती। इसीलिए बापू महेश नाथ अपने एक दलित सेवक गुदड़ की पत्नी भूंगी को निर्देश देते हैं कि वह उनके बेटे को दूध पिलाए। भूंगी का बेटा मंगल है, वह अपने बेटे को प्रायः दूध नहीं पिला पाती क्योंकि सुरेश उसका पूरा दूध पी जाता है। आगे चलकर गुदड़ एवं भूंगी मर जाते हैं और मंगल अनाथ हो जाता है। एक बार सुरेश मंगल में छोटा मोटा झगड़ा होता है जिसमें गलती सुरेश की है, पर उसके माता पिता मंगल को दुत्कार देते हैं। मंगल एक कुत्ते टामी के साथ जूठे पत्तलों से भोजन करता है। प्रेमचंद ने दिखाया है कि दोनों की हालत एक जैसी है। अंत में मंगल की टिप्पणियां हैं, लोग कहते हैं दूध का दाम कोई चुका नहीं सकता और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। गुल्ली डंडा यह कहानी मध्यवर्गीय व्यक्ति के अकेले एक संबंधहीन हो जाने के बारे में है और इस दृष्टि से इसमें नई कहानी आंदोलन की कहानियों की पूर्व झलक दिखाई पड़ती है। इसमें दो चरित्र हैं, मैं और गया। दोनों बचपन में गुल्ली डंडा खेलते थे। मैं मध्य वर्ग का व्यक्ति है जो बाद में बड़ा अधिकारी बन गया, जबकि गया एक दलित है जो गांव में साधारण जिंदगी जीता रहा। एक बार मैं गांव में आया और तो उसने गया को गुल्ली डंडा खेलने के लिए बुलाया। गया चाह कर भी मैं के साथ सहज नहीं हो पाया और जानबूझ कर हारता रहा। इसी अंतराल और असहजता पर यह कहानी केंद्रित है। मैं सोचता हूँ मैं अब अफसर हूँ, यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। अब मैं उसका लिहाजा पा सकता हूँ, अब दब पा सकता हूँ, सहचार्य नहीं पा सकता। यह पद पर कर अब मैं अकेले उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। नया विवाह, इस कहानी में बेमेल विवाह से उत्पन्न होने वाली व्यभिचार की समस्या को उजागर किया गया है। लाला डंगामल की पहली पत्नी लीला है, उसकी जिसका सौंदर्य कम होने के कारण अब डंगामल सब उससे ऊब गया है। वह कम उम्र की लड़की आशा से दूसरी शादी कर लेता है। वह लगातार कोशिश करता है कि आशा को अपने प्रति आकर्षित कर सके, किंतु उम्र के अंतराल के कारण आशा के मन में ऐसा कोई भाव पैदा नहीं होता। इसके विपरीत इससे डगामल के युवा नौकर जुगल के प्रति आकर्षण महसूस होता है। प्रेमचंद ने इस विचलन को अनैतिक कहने के बजाय परिस्थितियों के स्वाभाविक परिणामों के तौर पर देखा है। गिला यह एक विशेष प्रयोग धर्मी कहानी है जिसमें न घटनाएं हैं और न ही कोई निश्चित कथाक्रम। इसमें चेतन प्रवाह शैली के माध्यम से एक पत्नी के मन में उठने वाले भावों तथा विचारों का लंबा प्रवाह मात्र है। कहानी का मूल भाव यह है कि पत्नी को पति से बहुत ही शिकायतें हैं, किंतु सारी शिकायतों के बावजूद वह उसके बिना रह नहीं सकती हैं क्योंकि दोनों में एक दूसरे के साथ ऐसा समायोजन विकसित हो गया है जो अब किसी और के साथ नहीं हो सकता है। वह सोचती भी है कि हम दोनों की
प्रकृति में कुछ ऐसी समताएं व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं मानो किसी मशीन के काल पुर्जे घिसाकर फिट हो गए हो और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वह पहले से कितना ही सुडौल नया और सुदृढ़ क्यों न हो। सभ्यता का रहस्य इस कहानी में एक जज साहब के भ्रष्टाचार और एक गरीब व्यक्ति के द्वारा की गई चोरी की तुलना करते हुए प्रेमचंद ने प्रश्न उठाया है कि वास्तविक रूप से सभ्य कौन है। राय रतन किशोर नामक जज नकली यात्राएं दिखाकर सरकार से पैसा वसूलते हैं और एक कातिल की जमानत के लिए 20,000 रुपए का रिश्वत लेते हैं, पर इन बातों को छिपाकर सभ्य बने रहते हैं। दूसरी ओर दमड़ी घसी यारा जो कि बेहद गरीब व्यक्ति है, जब एक रात अपनी नौकरी से अनुपस्थित रहता है जो जज साहब उसके 2 रुपए काट लेते हैं। दमड़ी मजबूर होकर अपने बैलों के लिए चारा चुराता है किंतु पकड़ा जाता है जज साहब केवल यह साबित करने के लिए कि वे अपने परिचितों से भेदभाव नहीं करते, उसे 6 महीने की कैद की सजा सुनाते हैं। प्रेमचंद की टिप्पणी है कि आप बुरे से बुरा काम करें लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सकते हैं तो आप सभ्य हैं, सज्जन हैं, जेंटलमैन हैं। अगर आप में यह सिफत नहीं तो आप असभ्य हैं, गंवार हैं, बदमाश हैं और यही सभ्यता का रहस्य है, मुक्त का यश। इसमें प्रेमचंद ने बताया है कि अगर किसी को बिना कुछ किए प्रशंसा मिल रही हो तो वह उसे स्वीकार करने की लालच से बच नहीं पाता। बलदेव सिंह ने मैं से कहा कि आप कलेक्टर साहब के पास जाकर कृपया मेरी यह सिफारिश कर दीजिए। मैंने कलेक्टर से नहीं कहा पर संयोग से वह काम अपने आप हो गया। बलदेव ने यह सोचकर कि काम मैं की सिफारिश से हुआ है जब मैं को धन्यवाद दिया तो उसने ईमानदारी से बताया नहीं कि उसने सिफारिश नहीं की थी। रानी सारंदा 1910 ईस्वी में लिखी गई यह कहानी राजपूतों की वीरता के गुणगान से संबंधित है। इसमें सरंधा नाम की राजपूत स्त्री अपने भाई अनिरुद्ध सिंह और पति चंपत राय को मुगलों के सामने झुकते हुए देखकर धिक्कारती है और आत्मसम्मान के युद्ध के लिए युद्ध लड़ने की प्रेरणा देती है। अंतिम स्थिति में जब उनकी हार तय हो जाती है तब सरंधा अपने पति के आग्रह पर पहले तलवार से उन्हें मृत्यु प्रदान करती है और फिर खुद को मार लेती है। प्रेमचंद उसकी तारीफ में कहते हैं, सरंधा आन पर जान देने वालों में थी। इस कहानी में प्रेमचंद का आदर्शवाद प्रभावी दिखाई पड़ता है। निमंत्रण यह कहानी 2 ब्राह्मण पंडित मोटे राम शास्त्री और पंडित चिंतामणि के लालच के बारे में है जो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि उन्हें भोज के लिए बुलाया जाए। हास्य व्यंग से भरी इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने कुछ आडंबरों पर करारी चोट की है। प्रेमचंद की कहानियों में मनोविज्ञान का प्रयोग, कई समीक्षक मानते हैं कि प्रेमचंद की कहानी कला का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मनोविज्ञान का सुंदर प्रयोग है। यह बात उनकी लगभग सभी कहानियों और उपन्यासों में खुलकर दिखाई पड़ती है। यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि प्रेमचंद ने मनोविज्ञान का प्रयोग उस प्रकार तकनीकी रूप में नहीं किया है जिस प्रकार जैनेन्द्र इलाचंद जोशी और अज्ञेय ने किया है। इन सभी लेखकों ने पश्चिमी मनोविज्ञान विशेषतः फ्रायड एडलर तथा युग के मनोविश्लेषणवाद का गहरा अध्ययन करने के बाद साहित्य में मनोविज्ञान का प्रयोग किया है। उनकी रुचि सामाजिक मनोविज्ञान में कम है, वैयक्तिक तक मन की तहों का विश्लेषण करने में ज्यादा है, किंतु प्रेमचंद जब मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं तो उसका स्रोत मनोविज्ञान की अकादमिक पुस्तकों नहीं होती बल्कि जीवन का गहरा अनुभव और गहरा समझ होती है। इसके अतिरिक्त उनकी नजर व्यक्ति विशेष के मन पर नहीं बल्कि समाज के मनोविज्ञान पर ज्यादा है जो विभिन्न आस्थाओं में प्रत्येक व्यक्ति में परिलक्षित होती है। प्रेमचंद ने समाज के सभी वर्गों की मनोविज्ञान स्थितियों को उभारा है, विशेषतः उन वर्गों की जिन्होंने शोषण और वंचन को सहारा है, जैसे नारी वर्ग, दलित वर्ग, वृद्ध वर्ग तथा बाल वर्ग इत्यादि।
नारी मनोविज्ञान की सूक्ष्म परतों का उद्घाटन प्रेमचंद की कई कहानियों में हुआ है। उनकी कुछ मान्यताओं से आज सहमत होना चाहे संभव न हो, किंतु उनकी कहानियों में नारी मन को पढ़ लेने की पुरजोर कोशिश जरूर दिखती है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहता है। बड़े घर की बेटी पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्भ में चोली दामन का नाता है। अलगय ओझा नारी मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रेमचंद की सबसे क्रांतिकारी कहानी नया विवाह है। यह कहानी बताती है कि बड़ी उम्र के पुरुष का छोटी उम्र की महिला से यदि विवाह होता है तो किसी भी स्थिति में नारी का मन बांध कर रखना संभव नहीं है। यह स्वाभाविक है कि वह नारी अपने किसी हम उम्र की ओर आकर्षित हो। प्रेमचंद लिखते हैं, लाल डगामल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उनकी प्रशंसा में उसे बनावट की गंध आती थी। वह शब्द उनके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते थे जैसे कोई पंगु दौड़ने की चेष्टा कर रहा हो। जुंगल के इन सीधे शब्दों में एक उन्माद था, नशा था, एक चोट थी, आशा की सारी देह कंपित हो गई। प्रेमचंद ने दलित मनोविज्ञान पर भी अत्यंत प्रमाणित लेखन किया है। वे जिस समय के रचनाकार हैं उस समय दलित वर्ग में एक और सदियों से चली आ रही हीनता ग्रंथि थी तो दूसरी ओर उभरती हुई अधिकार व आत्मसम्मान की चेतना भी। प्रेमचंद ने दोनों पक्ष दिखाए हैं। सदगति कहानी में वे दुखी चमार की मन स्थिति दिखाकर बताते हैं कि दलित वर्ग दुख खुद कैसे मानसिक स्तर पर शोषण को स्वीकार करता है। वह सोचता है कि पंडित के घर में चमार कैसे चला आए, बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूजता है, तभी इतना मान है। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर आ पड़ी, जल्दी से पीछे हटकर सिर को झटकने लगा। उनके मन ने कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर की अपवित्र करने का फल है, भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं, ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले। घर का सत्यानाश हो जाए, पांव गल गल कर गिरने लगे। इस कहानी के अंतिम हिस्से में प्रेमचंद ने दलितों में उभरता हुआ नया मनोविज्ञान भी दिखाया है। अब उनमें आत्मसम्मान की भूख न व न्याय की मांग प्रबल हो गई है। वे लिखते हैं, इधर गौण ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया कि खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे। प्रेमचंद ने किसानों के मनोविज्ञानों को भी कहानियों में प्रस्तुत किया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है सभ्यता का रहस्य। सभ्यता का रहस्य दमड़ी के चरित्र के माध्यम से वे दिखाते हैं कि किसान के लिए अपनी प्रतिष्ठा क्या होती है और उस कि अपने पशुओं से कैसे संबंध होता है। ये सारी तकलीफें मंजूर थी, पर खेती छोड़कर मजदूर बन जाना मंजूर न था। किसान की जो प्रतिष्ठा है वह वही कहीं मजदूर की हो सकती है। किसान को अपने बैल अपने लकड़ों लड़कों की तरह प्यारे होते हैं, वह उन्हें पशु नहीं अपना मित्र और सहायक समझता है। इन वर्गों के अतिरिक्त प्रेमचंद ने बूढ़ी कागी में वृद्ध मनोविज्ञान तथा ईदगाह में बाल मनोविज्ञान का भी सूक्ष्म चित्रण किया है। बूढ़ी कागी के कुछ कथनों में उनकी वृद्ध मनोविज्ञान संबंधी मनोविज्ञान सूक्ष्मता देखी जा सकती है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी कागी बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। बूढ़ी कागी ईदगाह कहानी की मनोविज्ञान विशेषता कुछ अलग प्रकार की है। जहां बाकी कहानियों में वर्गगत मनोविज्ञान दिखता है, वहीं ईदगाह का हमिद सामान्य बाल मनोविज्ञान का अतिक्रमण करता है। बाल मनोविज्ञान के सामान्य चित्र गुल्ली डंडा और दूध का दाम जैसी कहानियों में देखे जा सकते हैं, किंतु हमिद अंसारी हमिद अपनी बाल सुलभ इच्छाओं का दामन करके दायित्वपूर्ण व्यवहार करता है, जो वस्तुतः उसकी उम्र से असंगत है। यह वर्गगत नहीं व्यक्तिगत मनोविज्ञान है। इसी पर प्रेमचंद ने टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, बच्चे हमीद ने बूढ़े हमीद का पाठ
खेला था बुढ़िया, अमीना बालिका अमीना बन गई। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद ने मनोविज्ञान से प्रभावित कुछ शैलियों का प्रयोग भी किया है, जैसे चेतना प्रवाह शैली तथा आत्मकथात्मक शैली। चेतना प्रवाह शैली यूं तो मनोविज्ञान कहानियों में दिखती है, किंतु प्रेमचंद ने कहीं कहीं इसका सांकेतिक प्रयोग किया है, जैसे गीला कहानी में। इसी तरह उन्होंने मुक्त का यश तथा गुल्ली डंडा जैसे कहानियों में अकथात्मक शैलियों का प्रयोग करते हुए कहानी का मुख्य पात्र में को बनाया है। यही शैली आगे चलकर मनोविज्ञान कहानियों में प्रबल तौर पर विकसित हुई है। प्रेमचंद की कहानियां कला। प्रेमचंद हिंदी कहानी के इतिहास के शिखर रचनाकार हैं, जिन्होंने कहानी विधा को परिपक्व बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने हिंदी कहानी की संवेदना को ही नहीं, शिल्प या कहानी कला को भी नए सिरे से परिभाषित किया है। भाषा शैली। प्रेमचंद की कहानी कला में उनकी भाषा शैली का सर्वाधिक महत्व है। उनसे पहले हिंदी के स्वरूप को लेकर यह विवाद था कि यह फारसीनिष्ठ होनी चाहिए या संस्कृतनिष्ठ। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जैसे लोग इसका पारसीकरण करने पर तुले थे, तो राजा लक्ष्मण सिंह जैसे लोग इसे संस्कृति जैसा बनाना चाहते थे। प्रेमचंद ने हिंदुस्तानी को ही साहित्य की भाषा बनाया। यद्यपि रानी सारंदा जैसी कहानियों में तत्समीपन और ईदगाह व शतरंज के खिलाड़ी जैसे कहानियों में फारसी पन कुछ मात्रा में नजर आता है, किंतु वह कथानक की मांग के कारण है, न कि लेखक की भाषा नीति के कारण। प्रेमचंद की भाषा में हिंदी गत संसार पहली बार जनजीवन से गहरे तौर पर जुड़ा। इसका कारण है कि उनकी भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों को पर्याप्त स्थान मिला है। कुछ उदाहरण दृष्टव्य सारंधा आन पर जान देने वालों में से थी। रानी सरंधा, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है। अलगय ओझा, घिसु पर दया करना, काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। कफन, प्रेमचंद की भाषा की तीसरी खूबी यह है कि वे उपमाओं, हास्य व्यंग तथा सूत्र शैली का सदा हुआ प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण दृष्टव्य है उपमाओं की शैली। उसका रोना भी बिल्कुल निराला था, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज, दूध का दाम, घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। कफन, हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता है। शतरंज के खिलाड़ी, सूत्र शैली मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त तो कोई वस्तु नहीं है। घर, बड़े घर की बेटी, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी, हास्य व्यंग की शैली। नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो दो गड़े गेंडे चिड़िया घर में भागे आए हों। निमंत्रण, वह न वैकुंठ में जाएगी तो क्या वे मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं। कफन, चरित्र योजना। प्रेमचंद की कहानी कला का एक महत्वपूर्ण तत्व चरित्र योजना है। उन्होंने अपने पहले की परंपरा में संशोधन करते हुए ऐसे चरित्रों को स्थापित किया है जो आदर्श का प्रक्षेपण न करते हो बल्कि जीवन के यथार्थ का प्रतिनिधित्व करते हो। रानी सरंधा जैसी एकदा कहानी को छोड़ दें तो यह विशेषता लगभग हर कहानी में दिखाई पड़ती है। प्रेमचंद के चरित्र जैनेन्द्र अज्ञेय या नए कहानीकारों की तरह विशिष्ट व्यक्तित्व से युक्त नजर नहीं आते बल्कि किसी सामाजिक वर्ग तथा उसकी समस्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए बूढ़ी काकी में जो समस्या बूढ़ी काकी की है वह उनकी व्यक्तिगत नहीं बल्कि हर वृद्ध की समस्या है। इसी प्रकार सदगति में जो शोषण दुखी चमार का हुआ है और नया विवाह में बेमेल विवाह से उत्पन्न जो यंत्रणा आशा को झेलनी पड़ी है वह भी व्यक्तिगत नहीं बल्कि वर्गगत है। गुल्ली डंडा जैसे एकदा कहानी ही ऐसी है जिसमें किसी चरित्र का निजी व्यक्तित्व झलकता है, वह भी संभवतः इसीलिए कि उसका संबंध शिक्षित मध्य वर्ग से है। कथानक योजना। प्रेमचंद की कथानक योजना उनकी विभिन्न कहानियों में बदलती रही है। शुरुआती कहानियों में अत्यंत सरल कथानक दिखता है जो आदि मध्य तथा अंत के निश्चित रास्तों से गुजरता हुआ समस्या से समाधान तक पहुंचता है। कुछ ही कहानियां इस ढांचे से अलग हैं। अलग ओझा, जटिल किंतु परस्पर सुसंबद्ध
कथानक पर आधारित है, जिसमें एक परिवार में कई दुर्घटनाओं के बावजूद संयुक्तता को बचाए रखने की कोशिश नजर आती है। कथानक की दृष्टि से सबसे प्रयोगशील कहानी है गिला। इसमें घटनाओं व चरित्रों का पारंपरिक ढांचा टूट गया है। पूरी कहानी चिंतन मनन विश्लेषण और प्रत्यावलोकन शैलियों पर आधारित है। एक विषय दृष्टि से देखें तो जो कथानक नई कहानियों में टूटा उसके बीज यहाँ देखे जा सकते हैं। लेखक की भूमिका प्रेमचंद मूलतः किस सगुण शैलियों की रचनाकार हैं, अर्थात कोई कहानी कहते हुए उसमें खुद को शामिल करते हुए पूरी रोचकता के साथ अपनी बात रखते हैं। किस सागों शैली का लाभ यह है कि कहानी में जीवंतता और मनोरंजन जैसे तत्व प्रबल हो जाते हैं। इस शैली के चरम उदाहरण यहाँ दिखते हैं, जब प्रेमचंद सीधे सीधे उत्तम पुरुष शैली या मैं शैली में कहानी लिखते हैं। उदाहरणतः मुक्त का यश और गुल्ली डंडा जैसी कहानियों इसी शैली की हैं, किंतु कहीं कहीं किस सागों शैली ने कहानी कला को नुकसान भी पहुंचाया है, क्योंकि इससे लेखकीय हस्तक्षेप बढ़ जाता है, चरित्रों के पारस्परिक संवाद कम हो जाते हैं और पाठक चरित्र से परोक्ष संबंध बना पाता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अपनी अंतिम कहानियों में प्रेमचंद ने लेखकीय हस्तक्षेप को काफी कम कर दिया था, जिसका परिणाम था कि उनके चरित्र स्वतंत्र होने लगे थे। मूल्यांकन स्पष्ट है कि प्रेमचंद ने शिल्प के स्तर पर नए प्रयोग किए और उन्हें ठीक से साधा। उनके बाद की हिंदी कहानी भले ही शिल्पगत प्रयोगों के मामले में काफी आगे निकल गई हो, पर उसका प्रयोग धार्मिकता के बीज प्रेमचंद के कथा संसार में ही खोजे जा सकते हैं।